नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अरब देशों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। जी हां, इजराइल की सेना उत्तरी गाजा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इजराइल की जमीनी कार्रवाई का असर अब ये हुआ है कि उत्तरी गाजा से ज्यादा लोग छोड़कर दक्षिण गाजा चले गए हैं। ऐसे में अरब देशों को ये खौफ सता रहा है, डर सता रहा है कि कहीं इजराइल उत्तरी गाजा में कब्जा ना करे और फिलिस्तीन का नक्शा पूरी तरीके से बदल कर ना रख दे। फिलिस्तीन का नक्शा बदलने वाला है। गाजा को दो हिस्सों में बांट रहा है इजराइल। क्या उत्तरी गाजा इजराइल का हिस्सा बनेगा? इजराइल से आ रही खबर दुनिया को डराने वाली है। इजराइल की सेना का दावा फिलिस्तीन के लोगों के डर को और बढ़ा देगा। खबरों के मुताबिक 30 दिन के युद्ध में इजराइल ने गाजा को दो हिस्सों में बांट दिया है। महीने भर के इस जंग ने फिलिस्तीन के नक्शे, हमास की ताकत और मुस्लिम देशों की सियासत को बदल कर रख दिया है। इजराइल की सेना ने गाजा को उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा में बांट दिया है। इजराइल की सेना उत्तरी गाजा को धीरे धीरे अपने कब्जे में करती जा रही है। इजराइल की बमबारी की वजह से फिलिस्तीन के लोग उत्तरी गाजा को छोड़कर दक्षिण गाजा में चले गए हैं। इस वक्त उत्तरी गाजा में हमास के लड़ाके हैं और दक्षिण गाजा में युद्ध में घायल लोग। इजराइल की सेना का फोकस इस वक्त उत्तरी गाजा है, इसीलिए पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा बमबारी उत्तरी गाजा में की जा रही है। इजराइल की सेना ने कल रात उत्तरी गाजा पट्टी पर महज आधे घंटे में ताबड़तोड़ 100 मिसाइलें दाग दी। दावा किया जा रहा है कि इस भीषण हमले में हमास के कई अहम ठिकाने तबाह हो गए और कई इमारतें भी बर्बाद हो गईं। उत्तरी गाजा पर यह अब तक का सबसे भीषण हमला बताया जा रहा है। इजराइल ने यह हमला तब किया है जब खुद IDF के हजारों जवान उत्तरी गाजा में मौजूद हैं और ग्राउंड ऑपरेशन में चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को ढेर कर रहे हैं। उत्तरी गाजा में हो रही बमबारी से सबसे बड़ा डर इजराइल के अगले प्लान का है। अरब देशों को शक है कि इजराइल उत्तरी गाजा को खुद में मिला सकता है। शायद यही वजह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री इस वक्त पश्चिम एशिया के दौरे पर हैं। वो इजराइल और फिलिस्तीन को तो युद्ध रोकने के लिए समझा ही रहे हैं, साथ ही साथ उसके पड़ोसी देशों को भी युद्ध में शामिल नहीं होने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन इजराइल इस वक्त अमेरिका की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि उत्तरी गाजा को लेकर मुस्लिम देशों में शक बढ़ता जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इजराइल ने फिलिस्तीन का नक्शा बदला है। 1947 से पहले पूरे क्षेत्र में 100% फिलिस्तीन के लोग रहते थे, लेकिन 1947 में UN के जरिए सिर्फ 44% जमीन पर फिलिस्तीन का कब्जा रह गया। 1967 की लड़ाई के बाद फिलिस्तीन की जमीन 44% से घटकर 22% तक रह गई। 2020 आते आते 22% जमीन की जगह फिलिस्तीनियों के पास सिर्फ 12% जमीन रह गई। अब मौजूदा लड़ाई को देखते हुए दुनिया के देशों को ऐसा लगता है कि इजराइल फिलिस्तीन के नक्शे को बदल सकता है और उत्तरी गाजा को इजराइल का हिस्सा बना सकता है। गाजा में इस वक्त त्राहिमाम मचा हुआ है और हमास को सबक सिखाने के लिए बारूद की बरसात की जा रही है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इजराइल ने गाजा को दो हिस्सों में बांटने के दावे कर दिए, यानी अब हमास विध्वंस की आग में जलेगा, इतना तो तय हो चुका है। इजराइल और हमास की जंग अब उस मोड़ पर है जहां से पीछे देखने पर सिवाय बर्बादी और तबाही के कुछ नजर नहीं आ रहा। हमास के खिलाफ इजराइल ने जंग के मैदान में अपना दम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इजराइल जहां अकेले दम पर
अपने किलर वेपन से कहर ढा रहा है, वहीं हमास को ईरान का समर्थन हासिल है और साथी देश से मिलने वाले हथियारों का इस जंग में इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच इसराइल ने जो दावा किया है उस पर गाजा का वर्तमान और भविष्य निर्भर करता है। दावा यह है कि इस एक महीने में गाजा को दो हिस्सों में काट दिया जाएगा। इजरायली आर्मी के मुताबिक गाजा नॉर्थ और साउथ दो हिस्सों में बट गया है। इससे हमास की कमर टूट गई है, यानी अब हमास के ऊपर और भी ज्यादा भयंकर स्ट्राइक होगी। היום כוחות צה"ל בהובלת סיירת גולני כיתרו את העיר עזה. הם הגיעו עד לחוף הים בחלק הדרומי של העיר עזה, והם כיתרו את העיר עזה, ובעצם היום יש עזה צפון ועזה דרום. इससे पहले भी गाजा के नागरिकों से दक्षिणी गाजा की तरफ जाने के लिए कहा जा चुका है और उन्हें इसके लिए वक्त भी दिया गया था, लेकिन अब ऐसे में गाजा का दो हिस्सों में बंटना हमास के लिए उफान लाने वाला है, क्योंकि दो हिस्सों में अलग अलग बटालियन मोर्चा संभालेंगी, यानी अब जंग हमास के खात्मे तक जारी रहेगी। कोई सीज फायर नहीं होगा, हमास के ऊपरी ठिकानों पर अटैक होगा, सुरंगों को तबाह किया जाएगा। בצפון היו מספר אירועים היום. צה"ל תקף מטרות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, זאת בתגובה לירי של טיל נגד טנקים שהרג אזרח ישראלי. ישראל כחילף ג'נג צ'רקר חמאס נה פלסטין כעם לוגו כי זינדגי דובר קרדי. इसराइल हमास जंग की कीमत गाजा और फिलिस्तीन के लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। जंग की विभत्स तस्वीरें मन को झकझोर दे रही हैं। צה"ל ביצע מספר תקיפות נוספות של תשתיות טרור וחוליות טרור ורכבים שהסיעו חוליות טרור. לוחמי ההגנה האווירית הרתו גם באמצעות כיפת ברזל כלי טייס מאויש מרחוק שחיזבאללה ניסה להעביר לשטחנו, הרתו אותו בתוך שטח לבנון. גזה פר ישראל כחמלה כסי בוקם זה כם נהי הם. אין חמלו בפורי אלעקה, מלבה מטבדיל הוצ'וקה. ישראל נסף כהדיה הם, כי אונקי סינה נה גזה שהר כה גהד ליה הם. סייניק סמודר תקפר פחוץ גאה הם, אור קאי אלעקו פר קבזה קרנימי קאמיאב.